बिना लहसुन प्याज से भी बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस सब्जियां बनाई जा सकती है जो कि आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी सबसे पहले मैंने पे करीब आधा किलो टमाटर लिए हैं उनकी हम यहाँ पार्ट हटा देंगे और स्किन में इस तरह से चाकू से स्लिट लगा देंगे और इस तरह से स्लिट लगा के हम सारे टमाटर को तैयार कर लेंगे फ्रेंड्स आज मैं आपको यहाँ पे बहुत ही सिंपल बेसिक जैन ग्रेवी जिसमें हमने लहसुन प्याज का बिल्कुल भी यूज नहीं किया है वह बनाना बता रहे हैं अब हम यहाँ पे पानी बॉइल कर लेंगे और उसमें हम इन टमाटर को डाल देंगे और इन्हें करीब पांच से दस मिनट के लिए ब्लांच कर लेंगे साथ ही हम काजू टुकड़ी भी डाल देंगे और साथ ही मैंने इसमें खरबूजे के बीज भी डाल दिए हैं अब एक तेज पत्ता डाल दें जब पानी अच्छे से उबल जाएगा तब तो आप देखेंगे यहाँ पे टमाटर की स्किन अलग होने लग गई है इस तरह से जब स्किन अलग हो जाए तब गैस को बंद कर दीजिए और इन्हें ठंडा होने दीजिए या फिर इनका तुरंत पानी निकाल लीजिए और उसके बाद में हम यहाँ पे टमाटर और जो हमने यहाँ पे काजू और बैलेंसीड डाले थे वो अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। आप चाहें तो काजू और मेलन सीड्स को और टमाटर को अलग से बॉईल कर सकते हैं पर मैं क्योंकि टाइम सेव करना चाह रही थी बर्तन भी तो मैंने तीनों को एक साथ बॉईल कर लिया है अभी हम यहाँ पे इन्हें ठंडा होने देंगे और उसके बाद में टमाटर की स्किन को बाहर निकाल देना है क्योंकि आज आप यहाँ पे एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल टेक्सचर वाली बिना लहसुन प्याज की सब्जी बना रहे हैं जो आपको कभी कहीं नहीं मिलेगी एकदम तो परफेक्ट रेसिपी है इसे बनाकर आप महीनों तक स्टोर भी कर सकते हैं उसका टिप भी मैं आपको वीडियो के एंड में दूंगी तो इस तरह से अब यहाँ पे इनको हमें थोड़ा सा रफली चॉप कर लेना ताकि जल्दी से ठंडे हो जाए इसके बाद में हम यहाँ पर इसे मिक्सर जार में डाल एकदम स्मूथ पीस लेंगे तेज पत्ता या दो भी दालचीनी आपने इसमें डाली उन्हें निकाल लें उसके बाद में हमें इसे पीस लेना है थोड़ा सा पानी डाल दें क्योंकि पीसने के लिए हमें पानी की आवश्यकता पड़ेगी तो फ्रेंड्स इस वीडियो को आप कौन सी सिटी से, से देख रहे हैं कमेंट्स में जरूर बताएं और आपके यहाँ पे लहसुन प्याज के बिना कौन सी सब्जी और कब बनाई जाती है वह भी कमेंट्स में जरूर बताएं तो इस तरह से हमें यहाँ पे एकदम स्मूथ इसे पीस लेना है आप देख रहे हैं इस ग्रेवी के अंदर काफी बढ़िया बबल्स आ रहे हैं इस तरह का जब पिस जाएगा तो आपकी ग्रेवी बहुत ही बढ़िया परफेक्ट टेक्सचर और टेस्ट की बनने वाली है कोई भी नहीं कह पाएगा कि आपने इसे घर में बनाया है अभी हम यहाँ पे एक कढ़ाई में तेल गरम कर लेंगे इसमें हमें तेल ज्यादा चाहिए क्योंकि हमें इसे प्रिजर्व करना है और महीना तक स्टोर करना है तेज पत्ता डाल दे दालचीनी डाल डालने एक साबुत काली वाली बड़ी इलायची डालेंगे साथ ही मैंने यहाँ पे कुछ लौंग भी डाल दिए हैं और अब हम यहाँ पे एक कटोरी में लाल मिर्च पाउडर धनिया पाउडर साथ ही हल्दी पाउडर लेंगे थोड़ा पानी डालेंगे और इसे इस तरह से पानी में मिक्स करके साइड में रख देंगे जब भी बिना लहसुन प्याज की सब्जी बनाए इस तरह से मसाले को आप पहले से पानी में भिगो दे तो मसाला बहुत अच्छा पकता है अब हल बहुत तेज तेल ना करें और उसमें आप इस मसाले को डाल दें इसके साथ ही हम यहाँ पे इसे लो फ्लेम पे पका लेंगे ऐसा करने से जो मिर्च है बहुत ही अच्छा कलर देती है, बहुत है और बहुत बढ़िया इसका टेस्ट और टेक्सचर आता है मसाले अच्छे से भुन जाने के बाद में हम तैयार ग्रेवी को डाल देंगे और इसे हम पकाएंगे लो फ्लेम पर करीब पंद्रह मिनट के लिए आप यहाँ पे इसे ढक भी दें ताकि क्योंकि बीच में ये उछलती भी है क्योंकि इसमें बबल्स आते हैं और इससे आपको चोट लग सकती है या तो आप चाहें तो इसे पीछे वाले स्टोव बर्नर पे रख सकते हैं और इसे अच्छे से लो फ्लेम पर पकने दें ताकि ये हमारी महीनों तक खराब ना हो वैसे तो ये ग्रेवी होटल्स में बनाई जाती है और वे लोग इसे बल्क में बना के रखते हैं लेकिन वे लोग लहसुन प्याज का यूज करते हैं कोई गारंटी नहीं होती है कि वो सब्जी उनकी बिना लहसुन प्याज की काफी जगह जैन ग्रेवीज भी और जैन सब्जी भी होटल वाले सर्व करते हैं तो इस तरह से यदि आप सब्जी बनाकर ग्रेवी बनाकर स्टोर करेंगे और आपके गेस्ट को सर्व करेंगे तो बहुत ही मजे की लगती है कोई पहचान नहीं पाएगा कि आपने इसमें लहसुन प्याज भी नहीं डाला है इस तरह से देखिए ग्रेवी काफी अच्छे से पक चुकी है हल्का सा जब ऑयल इसके ऊपर आज लग जाएगा तब हम यहाँ पे इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे और नमक डाल लेने के बाद में हम यहाँ पर इसे वापस से थोड़ा सा पकने देंगे जब आपकी कढ़ाई में हल्की सी गाड़ी और नीचे सरफेस में हल्की सी चिपकने लग जाएगी तब समझ लीजिए इसका मॉइस्चर खत्म हो चुका है हमारी ग्रेवी परफेक्टली बन चुकी है बहुत ही मजे की हेल्पफुल रेसिपी है फ्रेंड्स यदि आपको जरा से भी ये रेसिपी पसंद आती है तो कमेंट्स करें और लाइक जरूर करें अभी इस ग्रेवी से आपको कैसे सब्जी बनानी है हम कमेंट्स में बताएंगे आगे बताएंगे तो मैंने यहाँ पे वापस से एक बोल में नमक मिर्च हल्दी पाउडर ले लिया है साथ ही मैंने इसमें धनिया पाउडर डाल दिया पानी में इसे गला लिया जैसे कि हमने पहले ग्रेवी के लिए किया था सेम हम सब्जी बनाते वक्त भी ऐसे ही करेंगे तो अब इस तैयार ग्रेवी से सब्जी किस तरह से बनाई जाती वह है वह मैं आपको बताने जा रही हूँ तेल गरम कर लेने के बाद में अब हम या चाहे तो आप खड़े मसाले डाल सकते हैं या फिर इस तरह से डायरेक्टली आप मसाले डालें और इन्हें भून लीजिए अच्छे से भून लीजिए इस समय आप फ्लेम को एकदम हाई पे रखिए जब आप रेस्टोरेंट्स में होटल में ऑर्डर देते हैं तब आपको फटाफट सब्जी बना के देता है क्योंकि बेसिक ग्रेवी बनी हुई रहती है अभी मैंने यहाँ पे कसूरी मेथी को हाथों से क्रश करके डाल दिया है मुझे कसूरी मेथी का फ्लेवर पसंद है इसलिए मैं डाल रही हूँ आप बिल्कुल स्किप कर सकते हैं या फिर फ्रेश सरिया यहाँ पे डाल सकते हैं अच्छे से मसाला हमारा भुन गया है अभी हम तैयार ग्रेवी डाल देंगे तो मैंने एक चम्मच भर की जो ग्रेवी डाली इससे आराम से दो जने की सब्जी बन जाती है तो आप सोच सकते हैं कि हमारी जो हमने कढ़ाई भर के बनाई है उसमें कितनी लोगों की सब्जी बन जाएगी उसे मैं स्टोर करना भी आपको आगे वीडियो तो में बताऊंगी तो वीडियो में हमारे साथ बने रहे अभी हाई फ्लेम पे हम इसे कंटिन्यू चलाते हुए पका लेंगे जरूरत पड़ने पर आप थोड़ा सा पानी यहाँ पे डाल सकते हैं जरूरत पड़ने पर उसके बाद में हम क्या करेंगे इसे वापस से पकाएंगे और पानी डालने से क्या होता है इसका फैट ऊपर आता है और चमक बनी रहती है अब मैंने ब्लांच किए हुए मटर डाल दिए हैं साथ ही मैंने पनीर डाला है थोड़ा सा बटर और हम यहाँ पे थोड़ी सी मलाई डाल देंगे नमक डाल देंगे थोड़ी सी चीनी डालेंगे और तैयार है हमारी टेस्टी सब्जी जिसे आप मन चाहे तब बना सकते हैं हम जो सब ग्रेवी को बना के रखते हैं उन्हें फ्रीजर में रखते हैं फ्रीजर में ये कभी भी खराब नहीं होती है और जब आपको इसे यूज करना हो तो आपको चाकू से इसके पीसेस कट करने पड़ेंगे और उस तरह से आप डाल सकते हैं जैसे कि हम आइस क्यूब्स यूज करते हैं उस तरह से आप ग्रेवी का यूज कर सकते हैं बहुत ही मजे की रेसिपी है इस रेसिपी को मैं करीब दस से बारह साल से बना रही हूँ और बहुत ही हेल्पफुल है तो आप इसे जरूर ट्राई कीजिए और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ जरूर बताइए कि आपको एक रेसिपी कैसी लगी तो इस तरह से मैंने एक लंच बॉक्स में जो मेरे पास स्पेयर में रखा था उसमें मैंने इसे डाल दिया है इसे इसमें भर सकते हैं चाहे तो आप आइस क्यूब में भी इन्हें जमा के जिप लॉक बैग में रख सकते हैं ताकि आप एक पर पर्सन के हिसाब से दो आइस क्यूम यूज कर सकते हैं तो बहुत ही मजे की रेसिपी है हेल्पफुल रेसिपी है कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको कैसी लगी इसी तरह की मैं आपको और चार रेसिपीज देने वाली हूँ जिसे आप बिना लहसुन प्याज के बहुत ही मजे से बना सकते हैं तो वीडियो में हमारे साथ बने रहे वीडियो थोड़ा सा लंबा है लेकिन आपको एक साथ चार वीडियो मिलेंगे इसमें अभी हमने आलू की सब्जी बनाई जो कि मेरे घर में सभी की फेवरेट है जो पूरी पराठे के साथ बहुत ही परफेक्ट जाती है इसके लिए मैंने एक बोल में लाल मिर्च पाउडर हल्दी पाउडर और साथ ही मैंने धनिया पाउडर ले लिया है अभी हम यहाँ पे इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे ऐसा करने से मैं बाबर इसलिए बता रही हूँ कि इसमें क्या होता है मसाला थोड़ा सा थो फूल जाता है पानी के साथ में और जब ये पकता है तो एकदम तुरंत जलता नहीं है और बहुत बढ़िया फ्लेवर देता है और अच्छे से पकता भी है तेल गरम कर लें रसे वाली सब्जी में तेल बहुत कम डलता है तो कम तेल कम डालें राई तड़का लें हरी मिर्च डालें कद्दूकस की भी अदरक डालें यदि अदरक खाते हैं तो अदरक जरूर डालें नहीं खाते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं पर मुझे अदरक का फ्लेवर बहुत पसंद है मेरी सभी सब्जियों में करीब अदरक जाता है तेज पत्ता डाल दें चाहे तो आप यहाँ दालचीनी भी डाल सकते हैं अच्छे से सभी चीजों का फ्लेवर ऑयल में आ जाएगा तब तो हम यहाँ पर हींग डालेंगे और साथ ही इसको अच्छे से पका लेंगे तो आज हम जो लहसुन प्याज की बिना सब्जी लाने वाले हैं इसे आप पूरी पराठे के साथ एंजॉय कर सकते हैं तैयार भीगा हुआ मसाला इसमें डालेंगे और हाई फ्लेम पे इसे कंटिन्यूस पिलाते हुए पकाएंगे तो करीब थर्टी सेकंड में ये बहुत ही मजे से अच्छे से पक जाता है बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है जब कुछ समझ नहीं आता है तब मेरे घर में यही सब्जी बनाई जाती है साथ में मैं पराठे बना लेती हूँ तो मजे से बच्चे खा लेते हैं अभी मैंने एक साबुत हरी मिर्च डाल दी जो मुझे बहुत पसंद है विशेष में खाने के लिए इसे डालती हूँ मैं मैं टमाटर डाल दिया टमाटर जल्दी पके इसके लिए मैंने नमक डाला है थोड़ा पानी डाल दें इसे मिक्स करें और ढक के करीब पाँच मिनट तक या फिर टमाटर गलने तक इसे अच्छे से पका लें तो आप खोल के देखेंगे तो कलर कितना अच्छा आ चुका जबकि हमने नमक इसमें ऑयल बहुत कम डाला था तो इसी तरह से कम तेल की सब्जियाँ बनाएं मैंने यहाँ पे अब दही डाल दिया क्योंकि आज हम यहाँ पर बहुत ही खट्टी और स्पाइसी सब्जी बनाने वाले हैं जो बहुत ही मजे की बनती है मेरे मुंह में तो अभी से ही पानी आ रहा है क्योंकि मेरे घर में सभी की फेवरेट है दही पक चुका है हमारा काफी अच्छे से इसके बाद में हम उसमें जरूरत के अकॉर्डिंग पानी डालेंगे और उसके बाद में पानी में बॉईल आने देंगे जैसे ही पानी में बॉईल आ जाएगा मैंने करीब तीन से चार मीडियम साइज के आलू को बॉईल किया और रखा था तो हाथों से रफली मैश करते हुए डालेंगे कुछ पीसेज इसके बड़े होने चाहिए कुछ इसके छोटे रहने चाहिए छोटे पीस होंगे वे इसकी ग्रेवी को थिक करेंगे और जो बड़े पीसे होंगे वो खाने में बहुत टेस्टी लगता है क्योंकि उसके अंदर दही का टमाटर का खट्टापन जा चुका होता है तो इसे अब लो फ्लेम पे तो करीब आठ से दस मिनट के लिए पका लेंगे ध्यान रखें इन सब्जियों को अच्छे से लो फ्लेम पे पकाएं तभी अब सब्जियों का फ्लेवर एक दूसरे के अंदर मर्ज होता है और बहुत ही मजे की लगती है तो तैयार है हमारी टेस्टी बिना लहसुन प्याज की सब्जी आलू की इसे आप पूरी पराठे एंजॉय कर सकते हैं फ्रेंड्स इसे जरूर ट्राई कीजिए हरे धनी और गर्म मसाले से गार्निश करके गर्मा गर्म एंजॉय कीजिए तो इसी तरह की और रेसिपीज मैं आपको आगे देने वाली हूँ तो हमारे साथ वीडियो में बने रहिए और यदि आपको और रेसिपी चाहिए कमेंट्स में बताएं अभी ये बिना लहसुन प्याज की गट्टे की सब्जी जो कि राजस्थान की फेमस सब्जी है तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक बर्तन में डेढ़ कप के करीब बेसन लिया है ये थोड़ा मोटा वाला बेसन होता है साथ ही इसमें मैं थोड़ी सी डाल दूंगी लाल मिर्च पाउडर अभी हम उसमें थोड़ी सी हल्दी पाउडर डालेंगे थोड़ा सा हम यहाँ पे नमक डाल देंगे तो ये सभी चीजें हम कम कम डालनी है थोड़ी सी अजवाइन डालें चाहे तो आप यहाँ थोड़ी हींग भी डाल सकते हैं अभी हम हाथों से क्रश करके ये थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल देंगे और इन सभी सूखी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे अभी मोयन के लिए मैं यहाँ पे करीब दो से तीन चम्मच ये तेल डाल दूंगी इससे हमारे गट्टे बहुत सॉफ्ट बन के आते हैं और जब हम सब्जी को खाते हैं तो मुंह में जाते ही पिघल जाते हैं ये राजस्थान की स्पेशल सब्जी है जिसे की राजस्थानी थाली जब भी आप ऑर्डर करेंगे तो आपको गट्टे की सब्जी जरूर मिलेगी हाथों से हमने मिक्स कर लिया है अभी हम इसमें डाल देंगे करीब दो टेबल दही इससे जो गट्टे होते हैं काफी मॉइस्ट बनते हैं तो इसे आप जरूर डालें बिल्कुल भी स्किप ना करें सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लें कभी कभी क्या होता है कि दही से ही आटा गुन जाता है बेसन का और कभी कभी थोड़ा सा पानी डालना पड़ता है तो मैं यहाँ पे हल्का गर्म पानी डाल रही हूँ जो हमने गट्टे बॉईल करने के लिए पहले से ही साइड में गर्म कर रखा है तो इस तरह से हम इसे हाथों से एक दो फॉर्म में ले आएंगे आप देख रहे हैं मैंने आटे को एकदम सॉफ्ट और चिकना नहीं बनाया है सिर्फ मिक्स किया है और ओवर मिक्सिंग ना करें हाथों में हल्का सा तेल या पानी लगा लें उसके बाद में आप रोल रौ, रोल करें और इस तरह से सिलेंड्रिकल शेप के हम यहाँ पे रोल्स बना लेंगे तो सभी गट्टों को इस तरह से आप तैयार कर लीजिए बहुत ज्यादा प्रेशर मत दीजिए हल्का रफली ही बनाना है इस तरह से क्या होता है गट्टे बहुत अच्छे से बॉइल होते हैं और बहुत सॉफ्ट बनते हैं पानी को पहले अच्छे से बॉइल आने दीजिए उसके बाद ही हम इन गट्टों को डालेंगे और करीब पंद्रह मिनट के लिए मैंने मीडियम टू हाई फ्लेम पे बॉइयल आने देंगे बॉइल होने से क्या होगा ये पक जाएंगे साथ ही इनके ऊपर कुछ छोटे छोटे से बबल्स आ जाएंगे जो कि काफी अच्छी निशानी होती है परफेक्ट गट्टे बनने की तो आप देख सकते हैं इनके ऊपर काफी अच्छे बबल्स आ गए इसका मतलब हमारे गट्टे बहुत ही सॉफ्ट बनने वाले हैं अभी तो इन्हें बाहर निकालें और इन्हें ठंडा होने के लिए रख दें उसके बाद में इन्हें चक्कू से इस तरह से आप कट कर लें तो छोटी छोटी पतली पतली, पतली स्लाइसेस इन्हें कट कर लीजिए तैयार है हमारे गट्टे अभी हम यहाँ पे इसका एक मसाला बनाएंगे इसके लिए मैंने एक कप दही लिया हल्का सा खट्टा था इसमें बहुत अच्छा टेस्ट देता है मैंने इसमें एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल दी साथ ही धनिया पाउडर डाले हल्दी पाउडर डाले और इन्हें हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे खूब अच्छे से मिक्स करना है इसमें कोई भी लंप नहीं रहना चाहिए पहले से बीट कर लें और दही हमेशा रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए जब हम जब भी हम किसी सब्जी में दही डाल के पकाते हैं तो दही को पहले बीट कर लें और वह रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए ताकि दही अंदर तेल में जाने के बाद फटे ना तेल गरम करके हमने राइस में तड़का ली है राइ तड़कने के बाद में इसमें थोड़ी सी हींग जरूर डालें हींग पाचक के लिए बहुत अच्छी होती है हो। और बिना लहसुन प्याज की सब्जी में हींग का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है तेज पत्ता डाल दें दालचीनी डाल दें अभी हम यहाँ पे इसमें डाल देंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी और इसे अच्छे से भुनने देंगे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है कसूरी मेथी का ऑयल में इस तरह से पकाने से हरी मिर्च डालें साथ ही कद्दूकस की हुई है मैं अदरक भी डाल दूंगी आप चाहे तो अदरक का और मिर्च का पेस्ट भी डाल सकते हैं थोड़े से करी पत्ते भी डाल देंगे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है दही की सब्जियों में यदि आप करी पत्ता डालेंगे लास्ट में हमने जो सब्जी उतरीई थी आलू की उसमें भी करी पत्ता जरूर डालें बहुत अच्छा टेस्ट आएगा तैयार दही का मसाला हमने इसमें डाल दिया है और इसे हम कंटिन्यूस हिलाते हुए पका लेंगे फ्लेम को आप यहाँ पे हाई पे करें ताकि दही का जो फैट है जल्दी से सेपरेट हो जाए और हमारा दही बिल्कुल भी ना फटे और आप देखिए कितनी बढ़िया रंगत आ गई सब्जी की अभी हम आप इससे दो से तीन मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकने देंगे इससे क्या होगा कि जो हमारी ग्रेवी है वो थोड़ी गाढ़ी होने लग जाएगी अब जिस पानी में हमने गट्टे को बॉईल किया था वही पानी हमें यहाँ पे यूज करना है इसे फेंकेना ये न्यूट्रिशियस होता है और ये थोड़ी सब्जी को गाढ़ा करने में हेल्प करता है क्योंकि इसके लिए थोड़ा सा पेसन होता है अभी जो हमने गट्टे बनाए थे उन्हें आप हाथों से यानी तीन चार गट्टे हमें यहाँ पे इससे रफली क्रश कर लेने जो ग्रेवी को थोड़ा थिक बनाएंगे और जो जब हम खाते हैं चपाती के साथ में तो बहुत अच्छा टेस्ट देती है इस तरह से देखिए मैंने गट्टे डाल दिए हैं अब करीब हम पांच मिनट के लिए इसे बॉईल होने देंगे जरूरत पड़ने पे आप यदि पानी डालना चाहते हैं तो गर्म पानी इसमें डालें ठंडा पानी डालने से इसका टेक्सचर बिगड़ जाएगा अब आप देख सकते हैं गट्टे कितने बढ़िया सॉफ्ट बन गए हैं आ रहा है ना देखते हुए हमें पानी इसे जरूर ट्राई कीजिए फ्रेंड्स फ्रेश धनीय और गर्म मसाले से इसे कंप्लीट कीजिए गर्मा गर्म इसे पराठे के साथ बाटी के साथ चावल के साथ में एंजॉय कर सकते हैं और बनाए खाए मजे करें अभी आप इसे गर्मा गर्म, गर्म सर्व करने के बाद में हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी नेक्स्ट सब्जी हम जो बना रहे हैं ये है मटर पनीर की शाही सब्जी जो कि बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स और होटल्स में सर्व की जाती है जो की एकदम क्लासी होती है बहुत स्मूथ और सिल्की इसका टेक्सचर होता है और खाने में एकदम डिफरेंट होती है तो तेल गरम कर लिया इसमें हम जीरा डाल लेंगे जीरा डालने के बाद में हम यहाँ पे डालेंगे इसमें अदरक के इस तरह से कटे हुए टुकड़े साथ ही मैंने यहाँ पे काजू डाल दिए हैं और इसमें खरबूजे के बीज भी डाल दिए हैं अभी हम इसमें डाल देंगे दो टमाटर इसे रफली चॉप करके हमें डाल देना है और इन्हें पका लेना है हल्का सा पका लेने के बाद में अभी हमें टमाटर को सॉफ्ट करना है यदि आपको और इसमें तीखापन चाहिए तो आप यहाँ पे हरी मिर्च भी डाल सकते हैं फ्रेंड्स एकदम माइल्ड स्पाइसी सब्जी आज हम यहाँ पे बनाने वाले हैं जो बहुत अच्छा टेस्ट देती है यदि कभी आपको रिच टेस्टी और क्लासी खाना खाना है तो इसे आप जरूर ट्राई करें आपको बेहद पसंद आएगी पानी डाल के हम इसे ढक के करीब पांच से दस मिनट के लिए पका लेंगे ताकि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और आप देख रहे हैं टमाटर अच्छे से स्किन के साथ में हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं तो फ्रेंड्स पहले मैंने जो ग्रेवी बताई थी वो विदाउट स्किन बताई थी वो होटल स्टाइल सब्जी तताई थी और ये जो सब्जी है इसका टेस्ट और टेक्सचर दोनों अलग आएगा तो आप दोनों को जरूर ट्राई करें ठंडा करके इसे साइड में रख लें और उसे पीस लें एक बोल में हम लाल मिर्च पाउडर धनिया पाउडर हल्दी पाउडर डालेंगे और इसमें डाल देंगे हम थोड़ा सा पानी और इसे मिक्स करके साइड में रखेंगे हमने जो टमाटर और काजू और मेलन सीड्स पकाए थे उन्हें आप ठंडा कर लीजिए और उसमें हमने जो तेज पत्ता वगैरह कुछ भी अगर डाला है तो उसे निकाल के ही पीसना है तेल गरम कर लें कढ़ाई में उसका तेज पत्ता डाल दें इसमें हम डाल देंगे दालचीनी और साथ ही हम यहाँ पे इसमें तैयार भीगा हुआ मसाला डाल देंगे और इसे भी सेम हम हाई फ्लेम पे अच्छे से हिलाते हुए पका लेंगे इससे बहुत बढ़िया कलर और टेक्सचर आता है मैं आपको हर सब्जी मैंने तरीका बताया है आप इसे जरूर ट्राई कीजिए आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे तो इस तरह से देखिए कितना बढ़िया इसका कलर और टेक्स्र आ चुका है अभी हमारी सब्जी का बेसिक तैयार हो चुका है अभी हमने जो ग्रेवी बनाई थी वह इसमें डाल दीजिए देखिए इस तरह से ग्रेवी हमारी एकदम स्मूथ होनी चाहिए तभी हमारी सब्जी खाने का मजा आता है और कोई बिलीव नहीं करेगा कि आपने इसे घर में बनाया है सब यही कहेंगे नहीं आपने बाहर से ऑर्डर किया है तो ग्रेवी को अच्छे से मिक्स कर लिया है थोड़ा पानी डाल दें ताकि हमें ग्रेवी को करीब पांच दस मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकाना है तो आपको पानी डालना पड़ेगा ताकि नीचे से जलेना और अच्छे से ग्रेवी पक जाने के बाद में आप देख रहे हैं इसमें एक हल्की सी शाइन आ गई है और उसके बाद में आप यहाँ पे फ्रेश मलाई डाल दें जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है और आप चाहें तो इसे सिंपल रखना चाहते हैं तो पानी की जगह दूध डाल सकते हैं क्योंकि मैं घर में रेगुलर लो फैट वाली सब्जियां बनाती हूं यदि आपको कम तेल घी वाली एकदम टेस्टी मख वाली पनीर की सब्जी चाहिए तो कमेंट्स में वह भी बताएं नमक डाल दें टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ी सी चीनी डालें गर्म मसाला डाल गरम दें और इसे अच्छे से मिक्स कर लें साथ ही हम इसमें डाल देंगे ब्लांच किए हुए मटर ये मेरे फ्रोजन मटर है जिन्हें मैंने वॉश करके डाला है अब इसमें डाल देंगे दो ग्राम के करीब पनीर के टुकड़े और इसे करीब पांच मिनट के लिए पका लेंगे कभी भी पनीर डालने के बाद में आप ज्यादा ओवर ज्यादा ना पकाएं ओवर कुकिंग से क्या होता है पनीर थोड़ा चुई हो जाता है अभी हमारी सब्जी एकदम तैयार है इसे आप गरम मसाले के साथ में थोड़ा धनिया डाल के सर्व करें मजे करें और इसी तरह की रेसिपीज के लिए हमें फॉलो करें मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में थैंक यू